हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर रामसेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। दोस्तों, जब हमारे शरीर में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके नर्व्स के न्यूरोन्स डैमेज होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे या डिसफंक्शन होने लगे, तब हमारे शरीर में तरह तरह के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे झंझनाहट होना, टिंगलिंग होना, सुई चुभने जैसा, चींटी टेंगने जैसा, या बिजली करंट लगने जैसा, चाकू मारने जैसा, या बहुत तेज जलन या दर्द महसूस होती है। तो दोस्तों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को समझने के लिए नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी मोटी मोटी बात समझ ली जाए। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो हमारी सांसों को आने जाने को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हमारे खाने को खाने और पचाने काम करता है, उसी तरह से हमारे शरीर में एक मजबूत और सशक्त नर्वस सिस्टम होता है। इस नर्वस सिस्टम की मदद से हम कठिन से कठिन काम करते हैं, भारी से भारी बोझ उठाते हैं। तो दोस्तों, ये जो नर्वस सिस्टम है, इसको बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो इसका भाग है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। इसमें हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आती है। इसका जो दूसरा भाग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तीन तरह की नर्व पाई जाती हैं। पहली होती हैं सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स हमारी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करती हैं, यानी जैसे हमारी आँखों को, आँख से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं और त्वचा से स्पर्श महसूस करते हैं। इन सेंसरी ऑर्गन्स में जिन नसों द्वारा हमारे जो सेंसेस हैं ये कंट्रोल होते हैं, ये नसें हमारे स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन को संदेश भेजती हैं और ब्रेन से संदेश प्राप्त करती हैं, जो इनका क्षेत्राधिकार है। दूसरे तरह की नर्व होती हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स हमारी मसल को कंट्रोल करती हैं। ये मसल को कंट्रोल करने के लिए भारी सामान हम उठा लेते हैं, मजबूत ग्रिपिंग रखते हैं। अगर ये कमज़ोर होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे जो अंग और प्रत्यंग हैं ये काम नहीं कर, ये हमारे ब्रेन के आदेश मसल तक पहुंचाते हैं और मसल के जो फंक्शन है वो ब्रेन को देते हैं। और तीसरी तरह की जो नर्व्स होती हैं ये होती हैं ऑटोनोमस नर्व्स। ये ऑटोनोमस नर्व्स शरीर के अंदरूनी हिस्सों में या अंदरूनी जो हमारे अंग हैं, अंग और उपांगों को कंट्रोल करती हैं। ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, यानी इनवॉलंटरी होती हैं, जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, पसीना आना, छींक आना, आंसू आना, खांसी आना, ये इनको कंट्रोल करती हैं। मलमूत्र कंट्रोल भी इन्हीं ऑटोनोमस नर्व्स का होता है और सेक्सुअल अराउजल भी यही जो ऑटोनोमस नर्व्स हैं यही करती हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारा ब्रेन जिस तरह से चाहेगा ये उसकी इच्छा के अनुसार काम करती है। ये जो ऑटोनोमस नर्व्स है ये ब्रेन के निर्देशानुसार हमारे शरीर के अंगों और उपांगों को निरंतर मॉनिटर करती है और एक्सटर्नल स्ट्रेस या शरीर की आवश्यकता अनुसार ये काम करती हैं। जैसे हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए पसीना निकाल, पेरिफेरल नर्व्स होगी, इनमें कभी डिसफंक्शन होगा, डैमेज होगा या डिस्ट्रक्शन होगा, तब जो लक्षण प्रकट होते हैं वो लक्षण इस प्रकार के हैं। पहला तो लक्षण यही आएगा कि हमारे हाथों और पैरों में झंझनाहट होगी, चींटी रेंगने जैसा, सुई चुभने जैसा, जलन जैसा, चाकू मारने जैसा या चींटी रेंगने जैसा या सुन्नपन जैसा दर्द होगा। बहुत तेज जलन हो सकती है, फड़कन महसूस हो सकती है, सेंसेशन में बार बार परिवर्तन होगा, कभी तेज दर्द होगा जो रात को बढ़ता है, कभी नंबनेस होगी यानी सुन्नपन होगा। सुन्नपन का मतलब है रिड्यूस सेंस ऑफ टच। इसमें जब हम टच करते हैं तब हमें पूरा अनुभव नहीं होता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब सुन्नपन होगा तब हमें टेम्परेचर का, दर्द का, प्रेशर का अथवा स्पर्श का अनुभव कम होता है, यानी ऐसे में कहीं चोट लग जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन होता है जब हमारी मांसपेशियां जो है, जो हमारी मोटर नर्व्स है, इनमें अगर कोई डैमेज होता है या इन पर किस तरह का कंप्रेशन होता है तब मोजे पहने हुए। इससे मसल वीकनेस सबसे ज़्यादा महसूस होता है, यानी हाथ पैरों को चलाने में परेशानी महसूस होती है। ग्रिपिंग यानी हमारे हाथों की जो पकड़ है, जब हमारी ये मोटर नर्व्स कमज़ोर होंगी तो हमारे हाथों की पकड़ कमज़ोर होगी, हम जो चीज़ पकड़े होंगे वो गिर सकती है या बहुत सीवियर स्थिति में किसी अंग की पैरालिसिस भी हो सकती है। मांसपेशियों में फड़कन हो सकती है, ऐंठन हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है या एबनॉर्मल हार्ट बीट हो सकती है, खड़े होने पर चक्कर आ सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है या गर्मी के अनुपात में बहुत कम पसीना आ सकता है। यूरिनरी ब्लैडर और बावल मूवमेंट पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होगा, यानी टट्टी पेशाब की स्थिति में हमारा कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होगा। वजन का गिरना और कई तरह के सेक्सुअल जो डिसफंक्शन है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। पुरुषों में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत आमतौर पर देखी जाती है और महिलाओं में लॉस ऑफ लिबिडो आमतौर पर देखा जाता है जब इन ऑटोनोमस नर्व्स में किसी तरह की डिसफंक्शन होगा। तो दोस्तों, इसके कारणों के बारे में बात करें कि आखिर ये होता क्या। ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ये किसी एक कारण से नहीं होती, इसमें तमाम स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, तमाम कारक, घटनाएँ, दुर्घटनाएँ, हमारी तमाम आदतें, तमाम व्यसन और दुर्व्यसन तथा हमारी लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें मिला करके इस पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय करते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। करीब 80% इसमें केस डायबिटीज़ के अंतर्गत ही आते हैं।
जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें एडवांस स्टेज में पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, यानी उनके हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, करंट लगने जैसा, या लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, या तमाम तरह के डाइजेस्टिव डिसफंक्शन, पैंक्रियाज की डिसफंक्शन, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन और हार्ट के डिसफंक्शन सामने आने लगते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का दूसरा सबसे बड़ा कारण ट्रॉमा है, यानी जब किसी जाने अनजाने में, किसी घटना दुर्घटना में हमारे शरीर को इंजरी होती है, हमारे शरीर को चोट पहुंचती है। तब जब चोट पहुंचती है तब कई तरह की मसल और नर्व्स डैमेज होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं या कंप्रेशन होता है। उन जगहों पर रिपीटेटिव स्ट्रेस होता है या स्पेस नैरोइंग होती है, तो हमारी जो नसें हैं, नर्व्स हैं, इनमें झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होने लगे। कई तरह की ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, वो भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। ये वो स्थिति है जब हमारी जो इम्यून सिस्टम है ये किन्हीं कारणों से हमारी हेल्दी सेल्स को नष्ट करने लगता है, जैसे लुपस की स्थिति है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हर्पीज है, एचआईवी है, सिफिलिस है, लेप्रोसी है। इनमें भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रभाव देखने में आता है। तमाम तरह की वायरल डिजीजेज भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण बनती है। किडनी डिसऑर्डर की स्थिति में, लिवर डिसऑर्डर की स्थिति में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की स्थिति में, सेक्सुअल डिसऑर्डर की स्थिति में तथा तमाम तरह की एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाने से भी पेरिफेरल नर्व्स के डैमेज, डिस्ट्रक्शन और डिसफंक्शन की स्थिति बनती है। वैस्कुलर डिसऑर्डर, जब हमारे हार्ट से हाथ पैरों को जो जाने वाली ब्लड सप्लाई है वो किसी इन्फ्लामेशन के कारण या ब्लड का क्लाट के कारण धीमी पड़ जाए, तो हमारी जो नर्व्स हैं इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये नसें इनमें डैमेज शुरू हो जाता है और ये पूरी तरह से काम नहीं करती, यानी डिसफंक्शन शुरू हो। स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म में टॉक्सिक इफेक्ट के कारण पेरिफेरल नर्व्स का डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर, यानी हमारी जो जेनेटिक फैक्टर है, यदि हमारे माता पिता को पेरिफेरल न्यूरोपैथी की परेशानी थी तो बहुत हद तक संभव है कि हमें भी परेशानी हो सकती है। विटामिन डिफिशियंसी, यानी विटामिन डी की कमी के कारण हमारी जो नर्व्स हैं इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण इनका डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं इनके बचाव के क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि डायबिटिक होने से बचें, अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। इसका दूसरा तरीका है कि अपने को हर तरह की इंजरी से बचाएं, हेल्थ कॉन्शियस रखें और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। यदि आपको स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करें। शरीर में विटामिन बी की कमी ना होने पाए, विटामिन बी आमतौर पर जो एनिमल सोर्सेज हैं इन्हीं में पाया जाता है, पर जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, इनमें भी उनको प्रॉपर विटामिन बी मिलेगा। अखरोट खा सकते हैं, अलसी खा सकते हैं, इनमें भरपूर विटामिन बी होता है जो उनकी जो नर्व्स को है पूरी ताकत देगा और विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होने पाए। अब दोस्तों, इसमें इलाज के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी दवाइयाँ पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या काम कर सकती हैं। तो दोस्तों, हमारी सलाह यही रहेगी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में अपने आप इलाज ना करें, अपने नज़दीक के डॉक्टर साहब पास जाएं, वो आपके सेंसेशन समझेंगे, कॉजेशन समझेंगे, मॉडलिटी समझेंगे और सभी लक्षणों पर गौर करने के बाद में जो दवाइयाँ देंगे वो बेहतर होंगी। पर हम जो अपने यहाँ पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दवाइयाँ देते हैं उनमें जो मुख्य दवाइयाँ हैं उनके बारे में बताते हैं। तो इसमें जो पहली दवाई हम देते हैं वो देते हैं हाइपेरिकम 30 की 4-4 दवा या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार देनी है। इसकी दूसरी दवा है 5-5-6-X बायोकेमिक दवा है, इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3-4 बार देना है। इसकी अगली दवा है कास्टिकम 30 की 4-4 दवा या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार देना है। इसकी बहुत अच्छी दवाई है पिक्रिक एसिड 30 की 4-4 दवा या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार देते हैं। आर्सेनिक एल्बम 30 भी इसकी बहुत अच्छी दवा है, आर्सेनिक एल्बम 30 की 4-4 दवा या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार देते हैं। इसमें हम एक मदर टिंचर का कम्बिनेशन देते हैं, अश्वगंधा मदर टिंचर और अवेना सटाइवा मदर टिंचर की आधे कप पानी में 20 पीस स्पून डाल करके दिन में 3 बार देना है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करें और जो इसका काजेशन है, जो कारण है, इसको निवारण करने की कोशिश करें। यानी यदि आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल करें, यदि आप में विटामिन बी की डिफिशियंसी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।